वेलकम टू माय क्लास इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दिए गए फॉर्मुलास को यूज करके कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट को कैलकुलेट करूंगा और इस कैलकुलेशन को हम जिस समय लमसम अमाउंट को रीपे कर रहे हैं उस समय करेंगे आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है xyz limited has issued 11% debentures of rupees 100 the debentures are to be redeemed after 6 year at a premium of 12% the flotation cost is of 2% calculate the cost of debenture given the tax rate of 40% इस क्वेश्चन के बेस के ऊपर मैं नीचे दी गई टेबल के अंदर कुछ इनपुट्स को टेक अप करूंगा सबसे पहले मैं यहां पर फ्लोटेशन कॉस्ट को टेकअप कर रहा हूं जिसका सिंबल हमें एफ दिया गया है फ्लोटेशन कॉस्ट हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर टू परसेंट दी गई है तो मैंने यहाँ पर टू लिख दिया द नेक्स्ट वन इज एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट अमाउंट जिसका सिंबल हमने आई दिया है और ये अमाउंट हमें इलेवन परसेंट यहाँ पर दिया गया है सो आई राइट इट हेयर इलेवन द नेक्स्ट वन इज रिडम्पशन वैल्यू रिडम्पशन वैल्यू को हम आरवी से रिप्रेजेंट करते हैं जब इसको छह साल के बाद रिडीम किया जाएगा तो यहां पर ये प्रीमियम ऑफ ट्वेल्व परसेंट के ऊपर इसको रिडीम कर रहे हैं तो सौ रुपए के डिबेंचर को हम एक सौ बारह रुपए के अंदर रिडीम करेंगे द लाइफ ऑफ डिबेंचर इन ईयर्स दिस इज गिवन टू आस सिक्स नेट प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर सो रुपए का हमने इश्यू किया है जिसके अंदर दो रुपया फ्लोटेशन कॉस्ट आ जाएगी तो हमारे पास जो नेट प्रोसीड मिलेगी दैट इज नाइंटी एट द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इसको हम पी आर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं और ये हम साल के बाद बारह परसेंट के प्रीमियम के ऊपर इसको रिडीम करेंगे सो so मैं यहां पर प्रीमियम अमाउंट को दे रहा हूं ट्वेल्व द नेक्स्ट पॉइंट इज टैक्स रेट टैक्स रेट इज गिवन एज फोर्टी परसेंट आई राइट इट हेयर जीरो पॉइंट फोर डिस्काउंट ऑन इश्यू जिसका सिंबल डी है यहां पर हम डिबेंचर के इशू के ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे सो आई राइट द अमाउंट एज जीरो द लास्ट पॉइंट इज प्रीमियम ऑन इश्यू प्रीमियम ऑन इश्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं पीआई के सिंबल के साथ इस पर्टिकुलर केस के अंदर इश्यू के ऊपर हमने कोई प्रीमियम पे नहीं किया सो आई सिंपली राइट जीरो नाउ विद दीज पैरामीटर्स I need to calculate the cost of redeemable debt when repaid in one lump sum amount. इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला दिया गया है जिसको कि मैंने आपकी रेफरेंस के लिए नीचे यहां पर दे दिया अब मैं इस फॉर्मूले को यूज करके रिडीमेबल डेट की कॉस्ट को कैलकुलेट करूंगा दिस के डी रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट मैं इसी फॉर्मूले को यहां पर इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं दिस इज इक्वल्स टू Parenthesis start. Interest is given to us in cell number D6. This is multiplied by parenthesis start 1 minus T. T is the tax rate given to us in cell number D11. Parenthesis close plus parenthesis start. F is the flotation cost. So I click over D5 plus डी डी इज द डिस्काउंट ऑन इश्यू सो मैंने यहां पर क्लिक कर दिया प्लस पी आर पी आर इज ट्वेल्व प्रीमियम ऑन रिडम्शन दिस इज डी टेन माइनस पी आई पी आई इज प्रीमियम ऑन इश्यू दिस इज जीरो पेरेन्थिस क्लोज डिवाइडेड बाय एन एन इज सिक्स वन मोर पेरेन्थीसिस इज क्लोज Now, this is divided by, I start 2 parenthesis RV. This refers to redemption value. I click over D7 plus NP. Net proceed, it is 98, given to us in cell number D9. Parenthesis close. This is divided by 2 parenthesis close. I press enter. जैसे ही मैंने प्रेस किया मेरे पास यहां पर एक वैल्यू आ गई 8.51 हमने जिस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए ऊपर दे रहा हूं सो so स्टूडेंट इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज करके कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट को कैलकुलेट कर सकते हैं व्हेन रीपेड इन वन लमसम अमाउंट मैं उम्मीद करूंगा अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके लिए परफॉर्म करना बहुत आसान हो जाएगा थैंक यू वेरी मच